हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आपका यूट्यूब पे चैनल है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे जो कॉपीराइट रूल होता है, उस कॉपीराइट रूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बेसिक सी चीज़ें जो कि होती है कॉपीराइट से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपका कॉपीराइट का नियम के बारे में नहीं पता होगा, तो आपका यूट्यूब पे जो है, आपका जो जर्नी है, आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो, आप मेहनत करते हो, आपका वो सारा मेहनत जो है पानी में फिर जाएगा। क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर अगर आप इनके रूल्स को उल्लंघन करते हो, तो आपका चैनल तक सस्पेंड कर दिया जाता है यूट्यूब की ओर से। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बेसिक सा जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एडवांस तक जानना है, सिर्फ बेसिक सा अगर आप कुछ चीज़ें जानकर रखोगे, तो आपका कभी भी जो है कॉपीराइट ये सब का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देख लेना, और चैनल पर नहीं होती आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो जिस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। साथ ही दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है manoj23, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलेगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कॉपीराइट का मतलब क्या है। तो दोस्तों कॉपीराइट का अगर हिंदी मीनिंग हम लोग जाने, तो इसका मतलब होता है अधिकार। दोस्तों अधिकार का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास अगर कोई सामान है, मान लीजिए मेरा एक स्मार्टफोन है, तो वो मेरा है क्योंकि मैंने उसको परचेज किया है पैसा दे करके। तो वो अगर कोई मेरे से ले लेता है, जबरदस्ती छीन लेता है, तो वो चोरी के जुर्म में जो है उसका मतलब FIR हो सकता है, वो चोरी हो गया या फिर जबरदस्ती आपसे छीन लिया गया, क्योंकि उसमें अधिकार जो है उस फोन पे आपका है। उसी तरह से दोस्तों कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार। अगर आपका कोई चीज़ है, तो वो उस पर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने उसको पैसा देकर खरीदा है या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पर कॉपीराइट का मतलब तो अधिकार होता है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी चीज़ कोई ले लेता है, किसी भी प्रकार का आपका जिस पर अधिकार है, वो आपको जबरदस्ती किसी कोई ले लेता है, तो उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर कॉपीराइट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये यूट्यूब पे ज़्यादा लागू होता है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने मेहनत करके, अपनी मेहनत से मान लीजिए कुछ भी क्रिएट किया है, लाइक आपने कोई म्यूजिक बनाया है, कोई वीडियो बनाया है, आप कुछ भी किए हो, तो उस पर आपका अधिकार है। अगर आपके उस म्यूजिक को, आपके उस वीडियो को, आपके उस फोटो को, आपके उस कुछ भी चीज़ को अगर कोई दूसरा यूज करता है आपके विदाउट परमिशन के, तो वो कॉपीराइट के अंदर में आ जाता है, उसको आप जो है लीगल एक्शन ले सकते हो। और यहाँ पर यूट्यूब पे इस कॉपीराइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पर अलाउ किया गया है, पालन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कॉपीराइट होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले प्रकार की बात करें तो वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। मान लीजिए दोस्तों कॉपीराइट एक ही प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार से यूट्यूब पे डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार से आपको जो है यहाँ पर पेनल्टी मिलती है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, जुर्माना भरना पड़ता है एक तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। मान लीजिए दोस्तों आपने विदाउट किसी परमिशन के, किसी दूसरे लोगों का, उसका परमिशन के बिना आपने अगर किसी का म्यूजिक यूज किया है, फोटो यूज किया है, या फिर वीडियो यूज किया है, तो वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर आता है, तो आपके चैनल पर क्या होता है, उस वीडियो को रिमूव कर दिया जाता है यूट्यूब की ओर से, और आपको 3 महीने के लिए एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है। अगर दोस्तों ये कॉपीराइट स्ट्राइक 3 महीने के अंदर में 3 अगर आ जाता है, तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है, यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है, डिलीट कर देता है। तो सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब दोस्तों आता है दूसरा नंबर का, वो होता है कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि मान लीजिए आपने विदाउट परमिशन के किसी दूसरे का म्यूजिक को यूज किया या फिर कुछ भी यूज किया, तो वो जो है कॉपीराइट क्लेम आपको अगर देता है, अगर आपका कॉपीराइट क्लेम उसको पड़ता है, आप में पड़ता है आपके चैनल पर, तो आपके चैनल को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके चैनल पर कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपके चैनल पर क्या होगा कि उस वीडियो का जो है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, उस वीडियो का मोनेटाइज में जितने भी पैसे आएंगे, जितने भी एड्स में अर्निंग होगा, वो चला जाएगा उसके पास जो कि उसका हकदार है, जिनके पास उसका अधिकार है उस चीज़ का। तो ये ज़्यादातर होता है टी सीरीज, जी म्यूजिक कंपनी, ये सब का। अगर आप मान लीजिए किसी का सॉन्ग यूज करते हो, किसी का म्यूजिक यूज करते हो, तो ऐसे में ज़्यादा आता है, इसमें कॉपीराइट क्लेम आता है। ये था दोस्तों दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर होता है मोनेटाइजेशन शेयरिंग। दोस्तों मोनेटाइजेशन शेयरिंग कैसे होता है, मान लीजिए कि मैंने कोई गाना गाया, मैंने खुद से लिरिक्स लिखा है, मैंने खुद से म्यूजिक बीट बनाया और मैंने गाना को गा दिया, और अब आपने क्या किया कि मेरे ही उस गाने को आप गाए हो, लेकिन आपने मेरा कुछ भी नहीं लिया, आपने खुद का म्यूजिक बनाया, आपने खुद से गाया, फिर भी मैं चाहूँ तो आपको मोनेटाइजेशन शेयरिंग का कॉपीराइट दे सकता हूँ, एक क्लेम दे सकता हूँ जिसमें मोनेटाइजेशन शेयरिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होगा कि 50-50 हो जाएगा। आपने मेरा गाना को गाया, तो आपका 50% जितना भी अर्निंग होगा उस वीडियो से, वो 50% मुझे मिलेगा, 50% आपको मिलेगा। तो ये होता है मोनेटाइजेशन शेयरिंग, और ये ज़्यादातर होता है कि किसी के गाने वाने को यूज करने से, मतलब मेरा गाना नहीं, सिर्फ आप मेरे आइडिया को, मेरे सुर ताल को, मतलब मान लीजिए मैंने उसमें सुर लगाया है, मैंने गाना का लिरिक्स लिखा है, मैंने म्यूजिक बनाया था, आपने फिर खुद से रिक्रिएट किया है, लेकिन फिर भी मैं मोनेटाइजेशन शेयरिंग का क्लेम आपको दे सकता हूँ। तो ये होता है तीसरा नंबर का। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें से जो पहला प्रकार था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक, जिससे आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाता है अगर 3 महीने के अंदर में 3 आता है। दोस्तों अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो आपको बचने के लिए इसके लिए 2 उपाय होता है।
सबसे पहला बात कि आपको यहाँ पर काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना पड़ता है। मान लीजिए आपने मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का यूज नहीं किया कुछ और अगर आपका फेक स्ट्राइक आ गया या फिर कोई गलती से आपको स्ट्राइक दे दिया तो आप उसको काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब फिर उसको रिव्यू करता है, आपका कॉपीराइट अगर आपने किसी का नहीं यूज किया है तो वो स्ट्राइक आपका चैनल से हट जाता है। और दूसरा प्रकार होता है अगर आपने मान लीजिए सच में यूज किया है और आपने गलती से यूज कर लिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है उसमें उस बंदे का ईमेल अकाउंट आ जाता है जिसका वो चीज था, जिसका अधिकार था, उसका जिसने स्ट्राइक लगाया है उसका ईमेल अकाउंट आपको वहाँ पे शो करता है यूट्यूब स्टूडियो पे। तो आप उनसे जाकर के उस ईमेल अकाउंट के थ्रू आप ईमेल पे उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको माफ़ी मांग सकते हो, उनको सॉरी बोल सकते हो कि भाई मेरे से गलती हो गया, मैंने गलती से यूज कर लिया, प्लीज़ आप कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करवा दो, मैं आपकी इस वीडियो को हटा दूंगा अपने चैनल से। तो ये होता है दूसरा रास्ता। तो दो प्रकार से आप जो है यहाँ से बच सकते हो। बाकी अगर कुछ भी नहीं हो पाता है, अगर काउंटर नोटिफिकेशन भी फाइल करते हो तो यूट्यूब आपको रिजेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने किसी का यूज किया है और आप उस बंदे से अगर बात भी करते हो जिनका यूज किया और वो नहीं हटाना चाहता है तो फिर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है और वो 3 महीने के लिए रहती है। दोस्तों उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होती यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।